वार्म वेलकम टू सुपर ग्रैड्स। और आज कॉलेज सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी के बारे में, एक और अच्छे कॉलेज के बारे में, दैट इज निर्मा यूनिवर्सिटी, जहां पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है बीबीए प्लस एमबीए। यस, अनदर अमेजिंग कॉलेज दैट यू हैव इन योर बकेट लिस्ट इफ यू आर प्लानिंग टू राइट आईपी मैट इंदौर 2025, क्योंकि निर्मा यूनिवर्सिटी जो कि अहमदाबाद में लोकेटेड है एक्सेप्ट करता है आईपी मैट इंदौर का स्कोर। सो ये एक और कॉलेज एड ऑन है हमारी बकेट लिस्ट में। तो आज डिटेल में वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट दिस कॉलेज। और अगर आप पहली बार सुपर ग्रैड्स आईपीएम चैनल पे आए हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं रिलेटेड टू कॉलेज या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी सबसे पहले आपको सुपर ग्रैड्स आईपीएम पे ही मिलेगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आज हम क्या कवर करने वाले हैं पूरे वीडियो में, हम ये देख लेते हैं। वी बी टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एज इन निर्मा यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर बीबीए प्लस एमबीए, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम, यस कौन सा एंट्रेंस एग्जाम स्कोर करता है, एक्सेप्ट करता है निर्मा यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बता दिया है आईपी मैट इंदौर का। सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, सीट इनटेक कितना होता है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द फीस, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स जो आप करते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बीबीए एंड एमबीए। एंड दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग ओवर हियर बिकॉज निर्मा यूनिवर्सिटी में आप बीबीए के दौरान भी काफी इंटर्नशिप्स करते हो और आप एमबीए के दौरान भी काफी कॉर्पोरेट इंटर्नशिप सोशल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहते हो। नेक्स्ट we would be talking about the placement report of the college, the recent placement report and the prominent features which make it the best integrated program in management. So let us start with the very first thing that is about the program. Now integrated BBA plus MBA program hai ye, 5-year ka program hai jo start hoga right after your class 12th. And the focus, what is the major focus of this program? Business education with management concepts, digital skills and specialization. Now, Nirma University ki, I think ye khas baat hai ki aapko bahut sare specializations yahan pe offer hote hain and you're not just getting a theoretical experience, sirf aapko books ke through padhai nahi karni hai, but kyunki yahan pe bahut sare internships hain, social projects hain that I mentioned, you're getting also a practical exposure in this particular college. Unique approach. Now, it combines with BBA and MBA, so I think that is a unique approach. So, MBA bhi aapka ho jayega. You're getting a dual degree over here. BBA ka bhi mil raha hai, MBA ka bhi mil raha hai. So, aapko separate exam nahi dena hai. After you complete your 3 years of BBA, uske baad turant hi aap MBA ke liye shift ho jate ho. Next, you get real world experience. Now, I think that is also an amazing thing about this program. Personality development, emphasis on liberal arts and holistic growth. I think another important factor jo I think is program ko kafi zyada khas banata hai wo hai iska holistic approach, the 360 degree learning approach, and medium of instruction of course it's English. Next, let us look into the very important factor, eligibility criteria. Ab Nirma University ka jo eligibility criteria hai ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए, यहाँ पे दो तरीके से होता है ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए, एज इन सारे स्टेट्स वालों के लिए एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और गुजरात स्टेट के लिए स्पेसिफिकली एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नाउ अगर हम सबकी बात करें, ऑल इंडिया कैटेगरी की बात करें, तो मिनिमम 60% आपका एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए इन HSC एज इन 12th या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड स्कूल in India, including, now this also implies to the Gujarat state as well. But अगर आप गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हो और आप उस कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो उसके लिए एलिजिबिलिटी अलग है। यहाँ पे आपको मिनिमम 90% एग्रीगेट स्कोर चाहिए इन योर 10+2 एज इन योर 12th और फ्रॉम अ स्कूल लोकेटेड इन गुजरात। स्कूल जो है वो गुजरात में ही लोकेटेड होना चाहिए अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करते हो तो। नेक्स्ट, निर्मा यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी फॉर NRI कैटेगरी। नाउ दिस इज अगेन डिफरेंट ओवर हियर, अगेन मिनिमम 60% यहाँ पे होना चाहिए आपका 12th में रिकग्नाइज्ड बाय निर्मा यूनिवर्सिटी। तो जो भी उनके कैटेगराइजेशन है
निरमा यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी इंस्टीट्यूट वो कैटेगराइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग दे वुड बी गिविंग यू द मार्क्स ओवर योर। नेक्स्ट अगर हम एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, सो एज आई मेंशन्ड आईपी मैट इंदौर का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है। सो आपको पहले आईपी मैट इंदौर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सेपरेटली एंड यू विल हैव टू सेपरेटली अप्लाई फॉर निरमा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द सिलेक्शन क्राइटेरिया, अब यहाँ पे अगेन ऑल इंडिया कैटेगरी और एनआरआई का कैटेगरी का अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया है। एज यू सी आईपी मैट स्कोर को 50% वेटेज दिया गया है, वेर एज पर्सनल इंटरव्यू को 30% वेटेज दिया गया है। एंड इफ यू लुक एट 12th स्टैंडर्ड का स्कोर, सो यहाँ पे 20% वेटेज दिया है टू 12th स्टैंडर्ड। नाउ गुजरात स्टेट कैटेगरी के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो, अगेन सिलेक्शन क्राइटेरिया इज डिफरेंट ओवर हियर। क्लास 12th का जो आपका है क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन गिवन इन गुजरात, तो उसके लिए 70%। सो द मैक्सिमम वेटेज इज गिवन टू योर 12th स्कोर ओवर हियर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द पर्सनल इंटरव्यू, तो 30% वेटेज दिया गया है टू पर्सनल इंटरव्यू ओवर हियर। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द सीट इनटेक, अगेन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, तो बीबीए प्लस एमबीए जो कि 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसका सीट्स का जो रेशियो है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इट इज गिवन ओवर हियर। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कैटेगरी जो सबसे ज्यादा मेजर है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट यहाँ से होंगे, 65% सीट्स उस कैटेगरी के लिए रिजर्व किए गए हैं एज इन पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, वी कैन से इट दैट वे। एनआरआई या एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के 15% सीट्स हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 36 स्टूडेंट्स, 36 सीट्स आर रिजर्व फॉर एनआरआई कैटेगरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुजरात स्टेट कैटेगरी की, तो उसके लिए 20% सीट्स आर रिजर्व। तो अगर आप गुजरात के डोमिसाइल हो, डोमिसाइल कैंडिडेट हो या डोमिसाइल स्टूडेंट हो, तो आपके लिए 20% सीट्स रिजर्व हैं, विच इज इक्वलेंट टू 48 सीट्स। नेक्स्ट सुपर न्यूमररी सीट्स है 15%, विच इज इक्वल टू 36 सीट्स। एंड द टोटल इनटेक, अगर हम सुपर न्यूमररी सीट्स को एक्सक्लूड करें, तो टोटल इनटेक जो होता है बीबीए प्लस एमबीए का फॉर निरमा यूनिवर्सिटी, इट इज 240 सीट्स, एज इन 240 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑल्सो, तो अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें फॉर जनरल कैटेगरी, इट इज 3,25,000 पर एनम, एक साल की फीस ये है। अगेन यहाँ पे एक्टिविटी फीस आपको वन टाइम देनी है 24,000 की, एंड यू नीड टू गिव एग्जामिनेशन फी एज इन 7,000 पर एनम, हर साल आपको एग्जामिनेशन फी देनी है। दिस इज फॉर 3 years, जब आपका बीबीए चल रहा होगा। तो पहले हम बीबीए फेज की बात कर रहे हैं, तो बीबीए फेज एज इन आपकी जो 3 साल की फीस होगी वो होगी अप्रॉक्स 9,96,000 इंक्लूडिंग दीज एक्सपेंसिस एज वेल। नाउ अगर हम एमबीए फेज की बात करें, तो एज ऑफ नाउ तो टोटल फीस जो है ट्यूशन फीस वो है 13,41,600 है फॉर एमबीए दोनों साल की, बट ये चेंज भी हो सकती है, दिस फिगर कैन चेंज एज इन व्हेन यू गो टू द इंस्टीट्यूट। तो आगे जाके जब आप एमबीए वाले उस फेज में आओगे तो इट इज एक्सपेक्टेड टू चेंज, बट अभी के लिए टोटल जो आपको एक्सपेंस होगा बीबीए प्लस एमबीए का, दैट वुड गो अराउंड 23,37,600, सॉरी आई हैव रिटन दैट 6,000 बट इट इज 600। तो आपका टोटल जो एक्सपेंस होगा दैट वुड बी अराउंड 23 लाख। नेक्स्ट अगर हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करें, तो किस तरीके से डिवाइड होता है पूरा करिकुलम एंड एवरीथिंग, वील टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। सबसे पहले बीबीए फेज एज इन जो आपके पहले के 3 साल होंगे उसमें क्या क्या रहेगा, तो ड्यूरेशन जो है वो 16 to 17 weeks का रहेगा अप्रॉक्स। अगेन यहाँ पे 120 क्रेडिट्स टोटल रहते हैं, नंबर ऑफ सेमेस्टर्स जो होंगे 6 सेमेस्टर्स होंगे आपके टोटल, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे। नेक्स्ट इंटर्नशिप्स की बात करें, पहले साल में 3 weeks का आपको एक इंटर्नशिप प्रोग्राम करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में अगेन 4 weeks का, थर्ड ईयर में अगेन 8 weeks का इंटर्नशिप। सो दैट इज हाउ द इंटर्नशिप इज कैटेगराइज। अगेन इंटर्नशिप्स एंड द प्रोजेक्ट्स आर अ मेजर फोकस ओवर हियर, इसीलिए ही यही एक एस्पेक्ट है जो निरमा यूनिवर्सिटी को बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज से अलग बनाता है, बिकॉज दे आर गिविंग यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर थ्रू इंटर्नशिप्स एंड लाइफ प्रोजेक्ट्स, सोशल प्रोजेक्ट्स ओवर हियर।
नेक्स्ट प्रोग्राम स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर का 39 क्रेडिट्स, सेकेंड ईयर का 39 क्रेडिट्स एंड थर्ड ईयर का इट्स 42 क्रेडिट्स. नेक्स्ट इफ वी लुक एट द प्रोग्राम स्ट्रक्चर फॉर द रिमेनिंग टू ईयर्स एज एन MBA का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स है टोटल 108. 11 से 12 वीक्स तक के लिए ये प्रोग्राम्स रहेगा, 2 साल का है तो हम उसको ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं. नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो आपके 6 टर्म्स होंगे यहाँ पे, 18 to 20 वीक्स इन टर्म 3. टर्म 3 में आपके 18 to 20 वीक्स हो जाएंगे. नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन जो हमने डिस्कस किया कि निर्मा यूनिवर्सिटी ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्पेशलाइजेशन टू चूज फ्रॉम. सो यू हैव मार्केटिंग, यू हैव फाइनेंस, यू हैव ऑपरेशंस मैनेजमेंट, यू ऑल्सो हैव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ओवर हियर, यू ऑल्सो हैव एनालिटिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम है, इंटरनेशनल बिजनेस है यहाँ पे. सो दीज आर द स्पेशलाइजेशन दैट आर ऑफर्ड इन द इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट इफ वी लुक एट द स्पेशलाइजेशन ऑप्शन, तो स्टूडेंट में ऑप्ट फॉर ईदर ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन इन वन एरिया एज मेजर, तो आप एक मेजर स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो एंड अनदर इन माइनर, तो आप एक माइनर चूज कर सकते हो. तो मेजर्स एंड माइनर्स का ऑप्शन जब आप MBA फेज में जाओगे तो ये जो स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस हैं इनमें से एक आपको अपना मेजर चूज करना पड़ेगा एंड द अदर स्पेशलाइजेशन यू हैव टू चूज एज माइनर. नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर्स और इंटर्नशिप्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आई थिंक यूनिवर्सिटी में, तो किस तरीके के इंटर्नशिप्स, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं. यू हैव सोशल प्रोजेक्ट्स ओवर हियर, तो यहाँ पे सोशल प्रोजेक्ट्स में यू गेटिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज होंगी. यहाँ पे सिमुलेशन ट्रेनिंग्स होंगी, सो यू ऑल्सो हैव सिमुलेशंस. लाइफ प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे जो आपको बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस देंगे एंड इट ऑल्सो विल हेल्प यू इन अप्लाइंग दोज थिंग्स टू योर क्लासरूम लर्निंग एज वेल. नेक्स्ट समर इंटर्नशिप्स जो आप करोगे वो हेल्प करेंगे आपको टू गेट प्री प्लेसमेंट ऑफर्स एज वेल, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा टू गेट अ PPO. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यू ऑल्सो हैव अ ब्लूमर्ग टर्मिनल ओवर हियर, एज इन यहाँ पे ये माना जाता है निर्मा यूनिवर्सिटी का फाइनेंस का प्रोग्राम इज रियली ग्रेट. सो यू गेट अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप्स एंड योर लाइफ प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल केस स्टडीज एंड ऑल. सो दैट इज द रीजन दे हैव सर्टन वर्कशॉप्स स्पेसिफिकली देयर फॉर फाइनेंस. वर्कशॉप्स टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी हैं, यू हैव लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर काफ़ी वर्कशॉप्स होते हैं. नेक्स्ट लाइफ प्रोजेक्ट्स होंगे आपके, वेर यू विल बी मैनेजिंग सम सोशल प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, वेर इन यू गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटर्नशिप्स एंड द प्रोजेक्ट्स इन निर्मा यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो दिस इज अ रीसेंट प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑफ निर्मा यूनिवर्सिटी जिसमें नंबर ऑफ कंपनीज जो थी 85 थी रीसेंट में. हाईएस्ट सैलरी 70 LPA गया था. इफ यू टॉक अबाउट द एवरेज सैलरी दैट वेंट अराउंड 11.22 LPA. इफ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस ओवर प्लेस्ड ओवरसीज एज एन इंटरनेशनल प्लेसमेंट, तो बैच में से 3 बच्चों का जो प्लेसमेंट था वो इंटरनेशनल भी हुआ था. एंड ऑन्टरप्रेन्योरियल स्टैंड एज इन निर्मा यूनिवर्सिटी में दे ऑल्सो हैव अ प्रोग्राम इन MBA फॉर ऑन्टरप्रेन्योरशिप, तो 29 बच्चों ने ऑन्टरप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स अपने खुद के बिजनेसेस भी स्टार्ट किए, बिजनेस वेंचर्स भी स्टार्ट किए ओवर हियर. एंड इफ यू टॉक अबाउट द मीडियन सैलरी, सो द मीडियन सैलरी वेंट अराउंड 10.50 LPA. नेक्स्ट एंड लास्ट अगर मुझे सम अप करना हो सारी चीज़ों का, अगर वाई यू शुड बी ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम या क्यों आपको निर्मा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहिए, रीजन बीन आपको एग्जिट ऑप्शन मिलता है आफ्टर 3 ईयर्स. सो इफ यू वॉन्ट टू एग्जिट ऑल्सो एज एन आपको MBA किसी दूसरे कॉलेज से करना है तो निर्मा यूनिवर्सिटी आपको वो ऑप्शन देता है. नेक्स्ट MBA एडमिशन के लिए कोई एडिशनल एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, तो अगर आप MBA करना भी चाहते हो एज एन पूरा इंटीग्रेटेड 5 साल का प्रोग्राम आप करना चाहते हो तो MBA के लिए कोई अलग से एंट्रेंस आपको नहीं देना है. नेक्स्ट यू हैव डुअल डिग्रीज एज एन यू हैव बोथ BBA plus MBA ऑप्शन अवेलेबल ओवर हियर, तो आपको डुअल डिग्री मिल रहा है. MBA फेज में आपका 5 मंथ्स का कॉर्पोरेट इंटर्नशिप है, इंटरनेशनल इमर्जन है एंड यू विल बी ऑल्सो वर्किंग ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट्स एज वी सॉ अर्लियर. इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में हमने देखा कि कितने सारे लाइफ प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स प्रैक्टिकल एक्सपोजर यू आर गेनिंग इन दिस
5 years of journey. BBA phase में अगेन क्रेडिट बेस्ड सोशल एंड इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स रहेंगी, एज इन यू विल हैव टू डू बोथ सोशल इंटर्नशिप्स एंड इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स. कोर स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो IPM जो निर्मा यूनिवर्सिटी में है, ये आपको एक 360 डिग्री लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है. सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ओवर हियर एंड द रीजन वाई यू शुड बी अप्लाइंग टू निर्मा यूनिवर्सिटी. Okay, students, so that was it from my side. I think I've shared most of the details about the university. Agar aapke mind mein kuch bhi aata hai regarding the university, you can definitely shoot a comment in the comment section below. Ya kuch bhi query hai, kuch bhi doubt hai, aap comment section mein bindaas pooch sakte ho. Aur abhi tak agar aapne hamara Telegram channel join nahi kiya hai, jahan aapke IPM ki preparation ekdam solid ho sakti hai, beat any area you get stuck with, then you should definitely scan दिस पर्टिक्युलर कोड या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक करोगे तो टेलीग्राम का लिंक दिया होगा चैनल का, आप उसको फटाफट से ज्वाइन कर लो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली वहां पे भी लाइव चैट आपसे करते रहेंगे. जो भी आपके क्वेरीज है वी वुड बी आंसरिंग इट ओवर देयर एज वेल. एंड यस, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना. स्टे ट्यून्ड टू सुपर ग्रैड्स IPM.